इसलिए आपको मौसम दिखाएं। आज का मौसम जो है वो बहुत प्यारा है, ये बारिश वाला मौसम बना हुआ है और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल इतने घने। ये वही वाली रेत है और ये डॉगी जो है, करो ये डॉगी यहाँ पे बैठा रहता है हमारे घर के आगे। बच्चे इससे बहुत डरते हैं, ये जब कोई भी बाहर निकलता है ना तो ये भौंकना शुरू कर देता है। ये हमारा सिंह है ना, और इसमें दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। बच्चे जो हैं ये टेरेस पे खड़े हुए हैं, ये टेरेस है हमारे पास, इतनी सी जगह है जहाँ से हम बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें ये बच्चे यहाँ पे ये ऐसे दीवार के ऊपर लटक के बाहर गली में देखते रहते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना, चलो डर लगता है मुझे, खुदा ना खासा गिर ना जाओ। छुटका क्या कर रहा है? छुटका छुटका खेल रहा है। अबरे करम बरसना शुरू हो गई है, ये देखिए ये पानी जो है ये हमारे यहाँ तक आ गया। ये हमारा टेरेस है, ये देखिए ये पानी यहाँ आ रहा है हमारी ग्रिल के अंदर। और ये देखें ये ज़्यादा आगे तक तो नहीं जा सकती, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और हवा, और पंजाबी में जैसे कहते हैं ना झंबदा मीह, ये वो झंबदा मीह है। ये देखिए ये दो तीन दिनों से यहाँ पे मौसम काफ़ी खुशगवार है तो ये बारिश हो रही है। ये देखिए मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, शुक्र है अल्लाह ताला का, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब ये छुट्टी के भी शायद गर्मी दाने जो हैं ये ख़त्म हो जाएं और इसको भी हम कपड़े पहना सकें बेचारे को, वरना ये तो नंगू मंगू सा ही फिरता रहता है क्योंकि इसको गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। देखिए जी बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, मैंने सोचा कि बच्चों से चलो कुछ पूछ ही लेती हूँ कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं, क्या फरमाइश है इनकी। तो लोगों के बच्चे कहते हैं जी हमें चाहिए मम्मा पकोड़े बना दें हमें, या फिर हमें बना दें आप चिप्स बना दें, या आलू वाले पराठे बना दें इस मौसम के लिहाज से। और मेरे बच्चे देखें जी अजीब भी फरमाइश कर रहे हैं, हाँ जी वासे क्या चाहिए मम्मा, नूडल्स चाहिए। राफी आपको क्या चाहिए मम्मा, नूडल्स चाहिए। हाँ जी तंजील क्या चाहिए मम्मा, नूडल्स चाहिए। ये देखें जी इनको नूडल्स खाने हैं। भाई भाई गर्मियों में कौन नूडल खाता है, मौसम तो देखें जरा मम्मा, वो मौसम बाहर बारिश हुई अभी, मौसम इतना ठंडा हो गया तो फिर अब। अच्छा ठंडा हो गया तो सर्दियों वाला हो गया। चलें जी ठीक है जी, चलते हैं फिर किचन में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं और मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है जी। व्यूअर्स तो आज बारिश हो रही है और बड़ी ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है, और जैसा कि पंजाबी में कहते हैं ना झंबदा मीह, तो ऐसा झंबदा मीह था कि हमारे टेरेस से भी पानी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा था। तो मैंने बच्चों से पूछा जी क्या खाना है आपने, तो इन्होंने तो एक अनोखी सी फरमाइश कर दी है, अब वो अनोखी सी फरमाइश इनकी पूरी करने के लिए चलते हैं जी किचन में। जी व्यूअर्स हम आ चुके हैं किचन में, और ये देखें ये इनके नूडल्स जो हैं ये रखे हुए हैं, ये दो किस्म के नूडल्स हैं, ये आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ये दो किस्म के नूडल्स हैं, ये वाले जो नूडल्स हैं ना ये कनौर वालों के हैं और चटपटा है ये नूडल्स, इसका टेस्ट मुझे पसंद है। और ये मेरे बच्चे लाए हैं, ये शूप है, ये तीन जो नूडल्स हैं ये शूप के नूडल्स हैं, अब ये नूडल्स बनाए जाएंगे। मेरा एक बच्चा गायब है, वो गया हुआ है एकेडमी, तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाला है, फिर उसको हम देंगे अभी हम बाकी बच्चों के साथ। और ये इनके बाउल हैं, इनके अलग अलग प्याले जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं, इनमें ये नूडल्स डाल के खाते हैं जी। इधर ये मैंने दो कप पानी जो है वो डाल के रख दिया, अब नूडल्स तैयार होंगे। और वासे ने कहा है कि मम्मा मुझे इसकी रेसिपी सिखा दे, आए वासे बताऊँ मैं आपको जी। बेटा ये वाला कप जो है ना ये दो कप मैं पानी डालती हूँ पहले, ठीक है? तो इसमें मैंने दो कप पानी जो है वो रखा हुआ है जी। व्यूअर्स ये पानी बॉईल हो रहा है,
अब मैं इसमें डालूंगी ये जो इसके अंदर मसाला होता है वो। जी मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया, अब ये मैं नूडल डाल देंगे, अब ये बॉयल हो जाएंगे, 2 मिनट इसको पकाऊंगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा उमा ऐसे बनते हैं? जी भी बस ये तैयार हो चुके हैं नूडल्स, अब इनको मैं बाउल्स में डालने लगी हूँ। चूल्हा करते हैं बंद और इनको सर्व करते हैं। ये इन्होंने तोड़े नहीं हैं, ये कह रहे हैं ऐसे ही मुंह में आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो चाह रही थी कि इनको तोड़ दिया जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा बच्चों को पसंद होगी वैसे ही करना पड़ता है। ये देखें मेरे से तो इसमें आ भी नहीं रहे, ये पता नहीं कैसे आ रहे थे। इनको शौक था तो भाई शौक था कोई मोल नहीं। जब पास कर जी व्यूअर्स इनके नूडल्स तैयार हो चुके हैं, अब ये खा रहे हैं। हाँ जी बच्चों खा लो, अब मज़ा आ रहा है। अब तो मज़े के बने हैं, अब तो बोलने के काबिल भी नहीं रहोगे ज़ाहिर है, इतने लंबे लंबे हैं तो सवैयाँ, लंबी लंबी सवैयाँ कैसे खाओगे इतनी लंबी लंबी, है ना। चलिए अब फरमाइश पूरी होगी, अब खुश हो ना। तो व्यूअर्स आप लोग को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये तो बिल्कुल फ्री है। और अपने सजेशन हमें कमेंट में बताया करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।